जी नाजिन, क्या चाल है? सब ठीक ठाक होंगे होपफुली। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। आज यहाँ पे ईद है, जैसे कि अभी हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, आपको बाइक का व्यू भी साथ साथ दिखाएंगे। नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग चल रही है, ये मीडियम में जाके डालो। ओ यार बोलना नहीं था। नाज़िम जी, यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी गई है। ये बांग्लादेश हमारे भाई हैं, कौन से हमारे आर्मी वालों ने लहदा करवा दिए थे दो मुल्क। ये वो है, ये हमारे शेख भाई हैं। ईद मुबारक एवरीवन। ये भाई वकास हैं। ईद मुबारक फ्रॉम आयरलैंड। एक मिनट पक्के का ब्लॉग है। मुबारक सबको भाइयों को मेरी तरफ से। खैर मुबारक। ये सारा मस्जिद पर आशा हमारी राम प्यारी मेरी तरफ खड़ी हो गई। ये जी हम पहुंच गए हैं घर, गाड़ी पार्क की है, ठीक हो गया। बस जी अब हम सो जाएंगे, बस सुकून से फिर जुमे के टाइम उठेंगे। ये जी जी गाइस, ये हमारी आ गए हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, ठीक है। निहारी नान, ये हमारे शेफ नहीं आए हैं, पुराने ये गए। निहारी शेफ ये साथ हमारी चाय अभी उबल रही है। रोहनी नान क्या कहते हैं, सफाई वाले आए हैं, ये सफाई कर रहे हैं। एक वो लगा हुआ है और इधर नवीर भाई सूटा खेची जा रहे हैं, ठीक है। और एक ये इस तरफ कहीं छुपा हुआ, वो बाहर निकल आया, वो ये देखें, ये सफाई कर रहे हैं। छोटी मर्चरी रखी हुई आगे, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। चाचा अपने वालों उसी चला दिया कि मर्सिडीज आंदी है राम दो ते बैठा है।
ਸਟੇਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जीना सिंह जी, हम जा रहे हैं जॉब की तरफ। ठीक है, आप भी कहते हो कि भाई दो दिन भी जॉब, भाई अब क्या करें, छुट्टी नहीं मिली क्योंकि जो मेरी मैनेजर थी उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मोहम्मद आल रेडी ना बहुत स्टाफ ना छुट्टियों पे गया हुआ है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है तो वो आ जा। उसका वैसे भी मुझे ना वो उसने रेट भी डबल कर दिया, कहती चल तू अपनी हॉलीडे वाले दिन काम कर रहा है तो तेरा मैं जो रेट है ना वो डबल कर देती हूँ। तो खैर उसने मेरा रेट भी डबल कर दिया आज का। तो अभी ये गाडा की गाड़ी थी, इस वजह से मैंने कैमरा नीचे कर लिया। और उससे पहले बैंक जाते जाते मैं आ गया हूँ खाना लेने के लिए। खाना लेके यहाँ से मैंने जॉब पे जाना है। पहले मैंने चेक डिपॉजिट करवाया है क्योंकि मेरी कैमरी अल्लाह का शुक्र है बिक गई है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं डीलर का यानी कि 1,000 यूरो प्रॉफिट रख के, तो वो हमें बाद में हमें मिला है। डीलर का 1,000 प्रॉफिट रखा था, उसमें से फिर टायर डलवा के न्यू बैटरी कर डलवाई। ठीक है, तो 24,500 यूरो की बिकी की समय से हमें सिर्फ मिला है उसे क्या कहते हैं 22,690 ये हमें मिली है पेमेंट। एग्जैक्ट अमाउंट कौन सी हमारी पॉकेट में आई है, मेरी यानी कि पॉकेट में आई है। तो ये बन गया पाकिस्तान के, अगर 1,000 यूरो हो तो पाकिस्तान का बनता 3,00,000 रुपया। तो ये था 22,300 कम यानी कि उसे क्या कहते हैं 23,000 था। अब बाकी के बेसिकली मुझे मिला था 23,000 में 500 के टायर डाल गया, बैटरी डली है इसकी, एनसीटी हुई है, वीआर और टैक्स लगा इसका। ठीक है, वो लगा लो कि फिर ये गाड़ी इतने में गई है। तो आई थिंक सो इज गुड नॉट बैड। देखिए गया मेरी गाड़ी बिक गई क्योंकि बड़े इंजन की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। छोटा जो इंजन होता है ना वो तो आपके पास कैश खड़ा होता है, किस तरह मर्जी आप जाके दे दो, लेकिन जो बड़ा इंजन होता है ना वो हमेशा प्रॉब्लम करता होता है। तो वट है वो कौन सी भी गाड़ी हो। तो इसके लिए इसके साथ साथ ही आज के ब्लॉग के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। और जाने से पहले वही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी में कर दीजिएगा। गरीब का भरा हो जाएगा और दुआओं में याद रखिएगा भाई को, प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।